आप लोगों का सारे लोगों का चेहरा और आपके चेहरे पर जो भाव है, वो भाव के अंदर एक मैसेज छुपा है, और वो मैसेज ये है कि 29 तारीख की सुबह 8 बजे धपा धप थप्पा लगने वाला है। लेकिन जब आप सारे साथियों ने ये तय कर लिया है कि कन्हैया को जिताया जाए, तब एक और काम करना बाकी है, जो जिम्मेवारी हमारी भी है। और यहां जो भी बुजुर्ग बहनें, माताएं, युवा साथी मौजूद है, इन सबकी है, वो ये है कि रात बहुत छोटी सी है और इस छोटी सी रात में इतने वेश बदलने हैं कि गुजराती की हमारी कहावत है, वेश बहुत बदलना है और रात बड़ी छोटी सी है। वक्त की नजाकत को समझकर यहां बैठे बैठे खैनी मारने के बजाय युवा साथी पांच पांच दस दस लोगों की टोली जमा कर अगल बगल के एक दो गांव में भी चले जाए तो संघर्ष के इस माहौल में और थोड़ी ऊर्जा का प्रदान होगा। क्या गुजरात में चुनाव नहीं है? है ना? कब है? अप्रैल की 23 को है। आपसे भी पहले बिहार के पहले गुजरात के चुनाव है, फिर भी अपने गांव, अपने शहर, अपना मत क्षेत्र, अपना राज्य ये सब छोड़कर यहां इसलिए आए हैं, यहां पर यदि साथी कन्हैया कुमार जीतते हैं तो गुजरात को भी बल मिलेगा, बिहार को भी बल मिलेगा, पूरे देश को भी मिलेगा। और कन्हैया कुमार का जीतना मतलब कि अडानी, अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने ये चचा और उनके पिताजी की उम्र के कामरेड लोग कितने दशकों से जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उस लड़ाई को पुनर्जीवित करना, उस कन्हैया को जिताने का मतलब ये है। यदि कन्हैया दोबारा जीतता है, यहां पर बेगूसराय में कन्हैया जीतता है, तो वाम पंथ का एक नए किस्म का उभार हम देख पाएंगे। सैकड़ों बुजुर्ग जो वाम पंथ के साथ दिल से कनेक्टेड तो है लेकिन थोड़े थके हैं, उनमें नई ऊर्जा आएगी, और जिन्होंने वाम पंथ को देखा समझा नहीं, ऐसे नव युवक भी समझना चालू करेंगे। तो बुजुर्गों का अनुभव, युवा साथियों का जोश, सीपीआई का यहां आधार और कन्हैया का नाम, इतना हो गया तो फिर देखिए 2020 के विधानसभा के चुनाव का रंग क्या होता है। और आज जब मोदी जो हमारे गुजरात से, लेकिन क्या करे, झूठे सोर मोदी को तो झूठा ही कहना पड़ेगा, तो झूठे मोदी ने इस मुल्क को जो हिंदू मुसलमान में बांटने की जरूरत की, उसकी आंखों में आंख डालकर जब बीहट का छोरा इस देश की पार्लियामेंट में बात करेगा तो क्या मजा आने वाला है। और कन्हैया खड़ा होगा तो कहेगा, मोदी जी हम आ चुके हैं, अब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। ठीक नहीं है? तो साथियों, जो काले बादल छाए है ना, कितना भी घना हो, एक न एक दिन छटता जरूर है, एक न एक छटता जरूर है, लेकिन वो अपने आप नहीं होगा। हम लोगों को पसीना तो बहाना पड़ेगा। कोई गुजरात से आया है,
कोई राजस्थान से आया है, पूरी एक टीम 2 महीने से दिल्ली से आकर गई। लोग अपना काम धंधा घर बार मठ क्षेत्र कमाना धमाना सब छोड़कर बेगूसराय में इसलिए आ रहे हैं कि सारे लोग कन्हैया कुमार में एक उम्मीद देख रहे हैं और दुनिया इस उम्मीद पर ही कायम है। बिल्कुल सही। और अब कितना भी मोदी जी झूठ बोल ले, एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हुआ है इस देश में जो मोदी जी के झूठ को पहचान गया। अभी कुछ अंधभक्त जिंदा है, कभी भी मोदी के नाम की ही डफली बजाते हैं, लेकिन नई पीढ़ी अपने आप को यह सवाल पूछना चालू किया है कि हमको मंदिर मस्जिद का लफड़ा चाहिए या अच्छी शिक्षा या रोजगार चाहिए। ये युवा साथियों ने अपने आप को पूछना चालू किया है और युवा साथियों में जो चेतना पैदा हुई उसमें कन्हैया कुमार जैसे साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। और आप सभी को यही कहकर अपनी बात को खत्म करते हैं कि जितने भी साथी बिहार और बेगूसराय के लोगों को मिले, जितने भी लोगों से बात हो और जो भी मोदी जी की तारीफ करे, उनको एक सवाल पूछो, सिर्फ एक सवाल। गुजरात के अंदर जब बिहार के मजदूरों को मारा जा रहा था, तब प्रधानमंत्री कौन सा मंजीरा बजाने बैठे थे? जब बिहार के लोगों को गुजरात में मारा गया, भगाया गया, तब हार्दिक पटेल बोले हैं और हम बोले हैं, ये गिरगिट सिंह नहीं बोला और मोदी भी नहीं बोला। तो गिरगिट को पूछा जाए कि कौन सा थोबड़ा लेकर तुम हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आए। यदि तुमको बेगूसराय और बिहार के लोगों के लिए प्यार रहता और यदि सत्ता से लगाव नहीं रहता, तो मोदी जी से झगड़ा करते कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, अपना मुंह खोलिए। हमने बिहार में आकर गुजरात सरकार की गलती का हम माफी मांगे कि विजय रूपाणी जो गुजरात का मुख्यमंत्री है, उसमें तो उतना तमीज नहीं कैसा कहे कि बिहार के भाई बहनों जो कुछ हुआ गलत हुआ माफ करिए। नरेंद्र मोदी में तो वो विवेक नहीं कि इतना कहते हैं कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हमारे तो संस्कार है ना, तो हमने माफी मांगा यहाँ आकर कि यूपी और बिहार के लोगों के साथ जो हुआ हमने नहीं किया, फिर भी हम माफी मांग रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री भी था, गुजराती भी था, उसने यदि एक लाइन में कहा होता कि गुजरात के भाई बहनों ये हमको शोभा नहीं देता, ये मत करिए बिहार के मजदूरों के साथ, पूरा माहौल ठंडा हो जाता। लेकिन जो मोदी ना कर पाया वो हम लोग करेंगे और बिहार और गुजरात की एकता को बनाए रखेंगे। और कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी, बिहार और गुजरात का मजदूर और गरीब मजलूम एक साथ मिलकर लड़ेगा, एक साथ मिलकर संघर्ष करेगा और एक साथ मिलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएगा। तो बिहार के संघर्ष में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए गुजरात से चलकर हम आए हैं। और गुजरात में जब लड़ाई होगी गरीब आदमी की, तो बेगूसराय के सांसद डॉक्टर कन्हैया कुमार को भी ले जाएंगे। फिर सचिन और सहवाग का बल्ला एक साथ घूमेगा। तो आप सभी बुजुर्ग और बहनें और माताओं का आशीर्वाद चाहिए। हम ये मानते हैं कि अहंकार अच्छी बात नहीं, हम बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा
जनता के बीच पिछले 6 महीने में कोई रहा है तो वो कन्हैया कुमार। हम लोग बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं, लेकिन हम अहंकार नहीं करना चाहते। हम तभी जीतेंगे जब इन माताओं का आशीर्वाद मिलेगा, जब बहनों का आशीर्वाद सर पर होता तो फिर कोई हरा नहीं पाता तुमको। और आपके बीच में एक बात कहना चाहूंगा, जहां से हम चुनाव लड़कर जीते, किसी का भी कांटेक्ट निकालकर गुजरात के हमारे वडगाम विधानसभा क्षेत्र से किसी भी समुदाय के व्यक्ति के साथ बात करिए, आपको कहेंगे कम से कम 1000 बहनों ने हमारे लिए रोजे रखे। 1000 बहनों ने, तो आपके गांव में आया हूं तो इतना मांग कर जाऊंगा, कम से कम कन्हैया के लिए कुछ बहने एक दिन का रोजा रखे, एक दिन का इतना मांगने आया हूं। तो मैं कन्हैया की माँ को बोल पाऊंगा कि तुम अकेली उसकी माँ नहीं, इस गांव में और भी उसकी माँ बैठी। तो आपका आशीर्वाद लेकर दूसरे गांव में जाते हैं। आप सभी से अपील है कि अपनी एकता को बनाए रखेंगे। इस देश और दुनिया के अंदर एक वर्ग है जो अमीर है जो लूटता है, दूसरा वर्ग है जो गरीब है और जो मजदूर है। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को मिलकर आगे ले जाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का, शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का, क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान के सपनों का भारत बनाएंगे। इसी बात के साथ मेरी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय सलाम और इंदिरा गांधी।